सहारनपुर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अनुरोध पर डेरा सच्चा सौदा के द्वारा आशियाना मुहिम के तहत एक जरूरतमंद पत्रकार के मकान के निर्माण मात्र 24 घंटे में पूर्ण करने का ऐतिहासिक एवं बेमिसाल कार्य किया है। डेरा सच्चा सौदा की सेवा और परोपकार की भावना की न केवल चारों ओर प्रशंसा हो रही है बल्कि लोग इस मुहिम को देखने भी पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा एक जरूरतमंद साथी के मकान के निर्माण हेतु वरिष्ठ पत्रकार ऋषिपाल अरोड़ा के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन को पत्र भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक विगत 4 नवंबर को जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन को पत्र मिला तो मात्र कुछ ही देर में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। मैं रेखा इंसा, ब्लॉक सहारनपुर सिटी से। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हम सारी साथ संगत एक जरूरतमंद परिवार को आशियाना मुहिम के तहत मकान बनाकर दे रहे हैं और यह मकान हमने कल सुबह शुरू किया था और आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आपका नाम? मेरा नाम सोनू इंसा, ब्लॉक सहारनपुर सिटी। आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से आशियाना मुहिम के तहत ये अपना श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से एक लेटर हेड पर उनके अपने दरबार में एक पत्र गया था। उन्होंने वहाँ से आदेश पारित किया। उस आदेश के अनुसार सारी सहारनपुर ब्लॉक सहारनपुर सिटी की सारी साथ संगत आशियाना मुहिम के तहत ये अपना पत्रकार भाई है अपने उनको मकान बनाकर दे रही है। खाली इनकी सेवा नहीं की जाती, जितने भी कोई भी गरीब परिवार हैं, प्यासे को पानी, भूखे को खाना और बीमार का इलाज, किसी की आंखें दान करना, ब्लड डोनेशन, 143 मानवता भलाई के कार्य सिर्फ एकमात्र संस्था दुनिया में डेरा सच्चा सौदा कर रही है जी। उनकी प्रेरणा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अपने गुरु महाराज की प्रेरणा के अनुरूप लाखों अनुयायी उनके एक इशारे पर सारे मानवता भलाई के कार्य में जुट जाते हैं जी। दिन रात एक करके सतगुरु की खुशियां लूटते हैं जी। दिन रात टाइम में मकान बनाया गया। मकान ये अपना कल 11 बजे शुरू हुआ था जी और आज ये अंत मकान के लेंटर के अंत तक आ रहा है जी। 48 घंटे में ये अपना लेंटर डाल दिया जाएगा जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।